सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वीडियो में 5G ट्रैक के अंतर्गत लेकर आए हैं गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम, यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास से वो कौन कौन सी रचनाओं को लिखे, वो कौन कौन से बुक लिखे हैं, उन तमाम चीज़ों को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। आज का ट्रिक जो हमारा है वो है दोहरा कवि। ऐसे भी तुलसीदास क्या थे, एक कवि थे, तो इनके पर ही हमने ट्रिक बनाया है दोहरा कवि। दोहरा कवि यानी कि दो से हो गया दोहावली, यानी कि दोहावली किनकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की। यानी दो से क्या हो गया दोहावली, ह से होगा हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना हम लोग, वो हनुमान चालीसा किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने। उसके बाद रा से हो गया रामचरितमानस, यानी कि जो रामायण है, रामायण ऐसे अगर हम देखें तो एक वाल्मीकि साहब ने लिखा, मगर रामचरितमानस अगर आती है तो किनकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। उसके बाद क से जो हो गया वो कवितावली, यानी इसमें कविताओं का समूह है कवितावली में, तो ये कवितावली किनकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की है। उसके बाद वी से विनय पत्रिका, एक विनय पत्रिका आती है, वो भी किनकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की है। इन तमाम जो किताबें हैं इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, और इसको इसका आसान ट्रिक है, आप थोड़ा सा पढ़िए, कवि थे तो दोहरा कवि, दोहरा, दो से दोहावली, ह से हनुमान चालीसा, रा से रामचरितमानस, क से कवितावली और वी से विनय पत्रिका, और ये जो है ये गोस्वामी तुलसीदास की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।